भाई देखो, कास्टर म्यूजिक ने लिखा है कि वी वांट डेली क्यू एन ए। अब मेरा एक क्वेश्चन ये कि यार ये वी कैसे भाई, कमेंट तो एक ही बंदा कर रहा है, तो फिर आपके साथ कितने लोग हैं, सच सच बताओ। तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन, यस डेली क्यू एन ए, डेली आई डोंट नो मैन, अब इसका नाम डेली रहना भी चाहिए या नहीं, बट द फैक्ट इज कि इसमें हम कमेंट्स भी लेने वाले हैं। बट उसके पहले दो ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते थे जो कि ज़रूरी है। सबसे पहले तो ट्रेस स्ट्रैटस के बारे में, बिकॉज रिसेंटली रोमन रेंस से रिलेटेड एक पोस्ट डाला था WWE के ही ट्विटर हैंडल ने, जिसमें जो ट्रेस स्ट्रैटस का डायलॉग था ना कि आई एम नॉट नॉस्टैल्जिया एक्ट, आई एम नॉट योर चाइल्डहुड फैंटेसी, और फिर उसके बगल में ही रोमन रेंस की बचपन वाली फोटोग्राफ जिसमें ट्रेस स्ट्रैटस का उनके पास कटआउट था उनके रूम के अंदर, वो दोनों पिक्चर साथ में थी, और कैप्शन ये था कि रिस्पेक्टफुली रोमन रेंस वुड डिसएग्री, जिसके रिप्लाई में ट्रेस स्ट्रैटस ने लिखा एटलीस्ट रोमन रेंस एक्नॉलेजेस मी, यानी कि रोमन रेंस एक्नॉलेज करते ट्रेस स्ट्रैटस को। नाउ अगर इस पर रोमन रेंस ने रिप्लाई दे दिया, देन आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट थिंग टू एवर हैपन, एंड मैं चाहता हूँ कि हो रोमन रेंस और ट्रिस स्ट्रैटस का ये वाला एंगल जरूर दिखाई दे, क्योंकि हमने ये देखा है सिर्फ दूसरी कंपनी में ही ऐसा देखने को मिलता है कि बचपन की फोटोग्राफ दिखाकर उसका उस पर बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। अगर इस पर भी कुछ हो जाए तो मजा आ जाए। ऑनेस्टली आई एम स्टिल वेटिंग फॉर रोमन रेंस का रिस्पॉन्स। उसके अलावा मैं अगले टॉपिक की बात करता हूँ, जो कि लाइक चैट GPT, अगर आपको पता होगा AI मॉडल है जिसपे आप कुछ भी पूछते हो वो बताता है, बेसिकली एक अलग दिमाग है मशीन का। तो लोग कह रहे हैं कि ये फ्यूचर होने वाला है, वट एवर दैट इज। तो मैंने उस पर जाकर पूछा कि WWE का माउंट रशमोर कौन है, यानी कि माउंट रशमोर आपको पता ही होगा ना, चार ऐसे बंदे जो कि इस चीज को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट दिया, तो WWE में ऐसे कौन से चार बंदे थे, जिस पर उसके अकॉर्डिंग वो चार बंदे आए हल्क होगन, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, द रॉक एंड द अंडरटेकर। एंड आई एम लाइक ओके, ऑफकोर्स सब्जेक्टिव है, इनफैक्ट उसने खुद ने पहले ये बोल दिया था कि ऐसे चार बंदे पिक करना है, कुछ भी ऐसे पिक करना, ये हमेशा सब्जेक्टिव रहने वाले। तो मैंने कहा कि यार अब हमने ऑल टाइम देख लिया है, तो क्यों ना मैं मॉडर्न डे की बात करूं। तो मैंने उस पर लिखा मॉडर्न डे माउंट रशमोर ऑफ WWE, तो उसमें कौन आए, नहीं यार CM Punk नहीं था, CM Punk से बाहर निकल जाओ भाइयो, क्या कह रहे लिव मॉर्गन भाई, आपका तो फिर हो गया काम। खैर जो चार बंदे थे, वन वॉज जॉन सीना, another one was Brock Lesnar, then the Undertaker and Roman Reigns. Yep, ये चार superstars according to ChatGPT are the modern day Mount Rushmore of WWE. And boy oh boy, the Undertaker all time में भी और modern day era में भी, bro ये तो guts ही चाहिए होते किसी के अंदर. That is why Undertaker has to be in the Mount Rushmore of any list. तो इसीलिए यस, आज का आपको पता चली गया होगा, आज कमेंट्स में आपको अपने चार माउंट रशमोर लिख के बताने मॉडर्न डे से कि वो कौन होने वाले हैं। डोंट वरी, आप फीमेल भी इंक्लूड कर सकते हो एक्सेप्ट फॉर लिव मॉर्गन, कम ऑन मैन, यार अब तो सिंप गिरी की हद हो जाएगी अगर लिव मॉर्गन भी डाल दिया तो। अब चलो कॉमेंट्स की तरफ भी बढ़ लेते हैं। ऋतु रंजन तिवारी ने लिखा कि मेक अ वीडियो ऑन रिंग का किंग एयर्ड ऑन कलर्स, वाज इट गुड अकॉर्डिंग टू यू एंड व्हाई इट फेल्ड। यार उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाने का डोंट थिंक सो कि मेरे पास कोई सच पर्पस है, और वाइट फील्ड तो बहुत बड़ा ज्यादा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि जब मैं वो देखा करता था तब मैं छोटा ही था, ऑफकोर्स WWE देख रहा था तब भी छोटा ही था, बट वाइट फील्ड वाली चीज तो कभी आएगी नहीं, और ऊपर से आप कलर्स पे आ रहे हो, कलर्स यस, जहां पर लोग बालिका वधू और इस टाइप के शोज एक्सपेक्ट करते हैं, तो ऐसे में आप वहां पर ये दिखा रहे हो, और ऊपर से आई थिंक वन ऑफ द रीजन हैज टू बी कि वो जो गूंगा नाम का रेसलर था उसकी डेथ दिखा दी थी, एंड आई डोंट नो कि वो रियल में हुआ था इंसिडेंट या कैसे हुआ था, बट उसने बहुत ही ज़्यादा एक डिप्रेशन वाला एरा दिला दिया था, और आई थिंक उसके बाद से बड़ा मुश्किल हो गया था उनके लिए रिकवर करना। वो तो जब दूसरी बार रिटर्न किया उन्होंने विद TNA सुपरस्टार्स, तब थोड़ा बहुत वो चल भी पाए, और वहाँ पर भी क्यों फेल हुआ आई डोंट नो, मे बी रेटिंग्स हो सकती है उसका कारण, और बैक स्टेज में कुछ भी हो सकता है यार, क्योंकि जब सोचो शिनचैन डोरेमोन जैसे एपिसोड के लिए ही क्राउड की तरफ से ये आ जाता था कि अरे ये क्या चीज़ें दिखा रहे हो, ये तो दिखानी नहीं चाहिए, तो इसके लिए तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा कि भैया स्पोर्ट्स चैनल होते हुए आप इधर क्यों दिखा रहे हो। तो आई डोंट नो मैन कि इसका फेल होने का कारण, बट बॉय ओ बॉय जो भी था मजा आया था, स्पेशली सेकंड वाले रन में जब TNA वाले सुपरस्टार्स भी आए थे, एंड आई थिंक वही रिंग का किंग था, उसके पहले उसका नाम कुछ और था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। ABD की VK फैन ने लिखा कि गर्लफ्रेंड का फेस रिवील कब हो रहा है चेतन भाई। भाई यही सवाल मेरा भी सेम रहता है रोज भगवान से, तो आई थिंक जल्द मतलब सही में जैसे मुझे दिखेगा मैं डेफिनेटली आपको भी दिखा दूंगा।
हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं है कि इन्होंने दुख नहीं होता। करण चौधरी ने लिखा कि यू कैन डेफिनेटली रिप्लेस विंस इन टर्म्स ऑफ वॉइस, वॉकिंग स्टाइल एंड इवन इन बिजनेस माइंड। चलो बाकी सब मैं मान भी लूँ, बट बिजनेस माइंड, कम ऑन, आई मीन रियली बिजनेस माइंड, इज दिस बिजनेस माइंड? AGS ने लिखा कि स्वाप टू सुपरस्टार्स बिटवीन करंट एरा एंड ओल्ड एरा, यू वॉन्ट टू सी? ओह वाओ, ये ऐसे वाले कॉमेंट बड़े अच्छे लगते हैं, काफी यूनिक भी है और इसको करने में भी मजा आएगा। दो ऐसे सुपरस्टार्स जो कि मैं स्वाप करना चाहूंगा करंट एरा से। अच्छा, आई थिंक मैं अब वाले एरा से जिसको मैं भेजना चाहूंगा पुराने एरा में, आई थिंक जॉन सीना ही होगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी कि एटीट्यूड एरा में ये वाला जॉन सीना, नॉट दैट रैप वाला जॉन सीना, बट ये हसल लॉयल टू रिस्पेक्ट वाला जॉन सीना एटीट्यूड एरा में किस टाइप का दिखता। मीनवाइल एटीट्यूड एरा से अगर मेरे को कोई लाना हो मॉडर्न एरा के अंदर, मेरा आई थिंक ऑस्टिन होगा। मैं रॉक भी चूज कर सकता था, बट आई फील लाइक कि ऑस्टिन जैसा बैडएसरी अभी तक देखने को मिलती नहीं है इजीली। माइक पर फिर भी लोग चलो अच्छा खासा प्रोमो कट करने आ जाते हैं, लेकिन स्टोन कोल्ड जैसा जो एक्शन है वो हर कोई नहीं कर पा रहा है। तो आई थिंक यही दो मैं इंटरचेंज करना चाहूंगा कि भैया स्टोन कोल्ड को इधर आओ और जॉन सीना को बोलूंगा कि आप उधर जाओ। अल्टीमेट आरकियो 1 मिलियन ने लिखा है कि चेतवा वर्सेस रोमन रेंस एट समर सलाम, रोमन 1 सुपरमैन पंच, चेतन गो टू कोमा। एंड आई थॉट कि मैंने दुनिया में जितनी भी बुरी बुरी चीजें हो सकती है वो विटनेस कर लिया, बट नहीं, अभी भी बची हुई है। बट हे, अगर एक्चुअली में लाइक दैट्स एन अजम्पशन कि अगर कभी रोमन रेंस वर्सेस 3DX चेतन होता भी है तो एक्चुअली में आपका रिएक्शन क्या होने वाला है ये मेरे को जानना है। कि मतलब इसी कंडीशन में कह रहा हूँ मैं कि रोमन रेंस अभी जिस कंडीशन में वैसे, और जैसे मैं अभी हूँ 20,000 सब्सक्राइबर वैसे ही, अगर हम दोनों का मैचअप होता है समर सलाम में तो फिर आपका क्या रिएक्शन होने वाला है, प्लीज जरूर लिख के बताना। ओ बाय द वे, ये स्क्रीनशॉट भी चेक करो, देख रहे हो कुछ दिखाई दिया? मैं बताता हूँ, ना चिढ़ते हैं हम ना रोमन रेंस से ना कोड़ी रोड से, ना चिढ़ते हैं हम ना रोमन रेंस से ना कोड़ी रोड से, 100K हो गए भाई साहब सिर्फ लाना रोड से। टीम 3T769 ने लिखा कि स्टेफनी GM ऑफ रो एंड शेन GM ऑफ स्मैकडाउन। यार अगर मैं अब भी जनरल मैनेजर्स चाहूंगा तो अब मेरे को लगता है कि शायद से मैं मिकमैन फैमिली से ना चाहूं, मेरे को लगता है कि कोई पुराना सुपरस्टार जैसे मिक फॉली और कर्ट एंगल, डैनियल ब्रायन ये लोग आए थे, मैं वैसे ही चाहूंगा कि कोई सुपरस्टार ही आए। हाउएवर स्टेफनी मिकमैन का आना ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि जिस तरीके का वो बैड विलेन कैरेक्टर प्ले करती है वो किसी और के लिए थोड़ा मुश्किल ही होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है लोगों के दिमाग में कि यार ये तो बुरा ही करेगी, ये कभी अच्छा कर ही नहीं सकती। अमरोज सिंह ने लिखा कि AJ इज टू मच ओवररेटेड। और रियली AJ स्टाइल्स ओवररेटेड लगता है आपको? ओके, अब आई विल टेल यू व्हाई ही इज नॉट ओवररेटेड। जब मैं छोटा था TNA देखने पर अगर किसी ने मजबूर किया तो वो AJ स्टाइल्स था। किसी ने मेरे को TNA में लिटरली कंसिस्टेंटली देखने पर मजबूर किया तो वो AJ स्टाइल्स था। माउंट रशमोर ऑफ TNA में अगर सबसे पहले नाम किसी का आता है तो वो AJ स्टाइल्स है। WWE में आते ही सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करने वालों की लिस्ट में अगर किसी का नाम आता है तो वो AJ स्टाइल्स है। स्मैकडाउन को अगर किसी ने नई पहचान दी मॉडर्न एरा में तो वो AJ स्टाइल्स है। AJ स्टाइल्स इज नॉट द फेस दैट रन्स द प्लेस, ही इज द चैंप दैट रन्स द कैंप। एंड आई डोंट नो मैन कि AJ स्टाइल्स को ओवररेट क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज कम ऑन मैन, इट्स लाइक सेइंग कि यार आज सूरज बड़ी ठंडी हवा दे रहा है, पॉसिबल ही नहीं है, ये क्या कह रहे हो। एंटी ग्रेजुएशन गेमर्स ने लिखा कि इफ गंथर ड्राफ्टेड टू रॉ देन ब्रॉक वर्सेस गुंथर कैन हैपन। हो जाए, मैं तो कह रहा हूँ ब्रॉक लेसनर दूसरे अपोनेंट को ट्राई तो करे, बस रोमन रेंज से थोड़ा दूर रहे, क्योंकि रोमन वर्सेस ब्रॉक हमने काफी बार देख लिया है। अभी गुंथर वर्सेस ब्रॉक हो, एक्सेवियर वर्सेस ब्रॉक हो, हमारे लिए तो वो विन विन सिचुएशन ही है, न्यू राइवलरीज, आई लव इट। एंड ब्रॉक वर्सेस गुंथर, कम ऑन, समर स्लैम में यही है जो रोमन रेंस वर्सेस 3DX चेतन से ज्यादा हाइप ला सकता है। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताना अपना मॉडर्न डे माउंट रशमोर और रिएक्शन इफ मी वर्सेस रोमन रेंस हैपन। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।